वैश्विक कोरोना महामारी ने बीते दो सालों से छत्तीसगढ़ समेत पूरी देश दुनिया की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी, लेकिन संकट के इस दौर में भी कोरबा के एक स्पोर्ट्स ऑफिसर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आपदा में अवसर की अपील को बखूबी अपने जीवन में उतारा। उन्होंने कोरोना महामारी के दौर में अपनी साइकिलिंग के शौक का सफर शुरू किया। धीरे धीरे उनकी टोली में बड़े लोगों समेत छोटे छोटे बच्चे भी जुड़ते चले गए। आलम यह हुआ कि बच्चे पहले स्टेट में चैंपियन बन गए और अब वे सभी नेशनल की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन चूंकि लॉकडाउन में सभी बंद थे मैदान वगैरह, तो मैं साइकिलिंग को थोड़ा सा बढ़ाया मैं, और उसके साथ साथ पुष्कर भाई और जाहिद और हमारे कुछ लोग और मुझको मिले, और इस प्रकार से हम लोगों ने मिल करके एक ग्रुप बनाया जिसका नाम हम लोगों ने कोरबा साइकिलिंग ग्रुप रखा। और हम लोग कोरकोमा, कॉफ़ी पॉइंट, टाइगर पॉइंट, लेमरू, हम लोग डेली तो हम लोग करीब 40 से 45 किलोमीटर 50 किलोमीटर करते थे, और हफ्ते में एक दिन जो है कॉफ़ी पॉइंट, टाइगर पॉइंट वगैरह जाते थे। इस प्रकार से हम लोग की साइकिलिंग बढ़ते गई, और उसके बाद में बच्चे भी हमसे जुड़ने लगे, और उसका परिणाम ये हुआ कि बच्चे भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे थे। और जब अब स्कूल गेम्स चालू हुए और उसमें साइकिलिंग की प्रतियोगिता भी थी, तो हम लोगों ने बच्चों को मोटिवेट किया कि उस प्रतियोगिता में भाग लें। और चूंकि भाग लेने के लिए रोड साइकिल की आवश्यकता थी, जो कि हमारे महाविद्यालय में अच्छी रेसिंग साइकिल उपलब्ध थी, तो हमने उनको साइकिल उपलब्ध कराया और उनको थोड़ा सा प्रशिक्षण दिए हम लोग, और जिसके कारण राज्य स्तर पर इन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया। प्रोफेशनल साइकिलिस्ट हैं दुर्ग के बच्चे, जो हैं दुर्ग और रायपुर के बच्चे प्रोफेशनल साइकिलिस्ट हैं, उनके पास और भी अच्छी साइकिलें हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे बच्चे वहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिए। और इससे मोटिवेट होकर के ये बच्चे अब जो है 24 को नेशनल के लिए सिलेक्शन ट्रायल्स है भिलाई में, वहाँ पर ये बच्चे जा रहे हैं, देखते हैं वहाँ पर ये। साइकिलिंग के इस सफर में बच्चों के अभिभावकों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पहले 5 फिर 10 किलोमीटर की साइकिलिंग से शुरू यह सफर 50 किलोमीटर तक जा पहुंची। और हम लोगों ने लॉकडाउन में साइकिलिंग स्टार्ट किया, पहले थोड़ा थोड़ा हल्का 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर ऐसा साइकिलिंग किया, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते गए 40 किलोमीटर 45 किलोमीटर, और कुछ 2 से 3 महीने में हम लोगों ने अमरकंटक का भी साइकिलिंग किया, और कॉफ़ी पॉइंट, टाइगर पॉइंट, लेमरू, जो कि लगभग 120 किलोमीटर पड़ता है, जबकि उसमें 20 किलोमीटर हिल एरिया है, और साथ में बच्चे भी हमारे साथ में जाते हैं। और अभी हम लोगों ने हमारे बच्चों को अच्छा मोटिवेट करके स्टेट साइकिलिंग में भेजा, उनमें वहाँ उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा, और जिसमें हमारे गवर्नमेंट कॉलेज के साइकिल, वहाँ के स्पोर्ट्स अधिकारी मिस्टर डॉक्टर बीएस राव का भी योगदान बहुत अच्छा रहा। सर, हम लोगों ने सोचा ही नहीं था कि हम लोग यहाँ तक जा पाएंगे, लेकिन एक दिन अचानक पता चला कि स्पोर्ट्स होने वाले हैं, टूर्नामेंट होने वाले हैं, तो हम लोगों ने बस बोला कि जाइए बच्चे, देखते हैं क्या होता है आगे, एक बार ट्राई तो करो। लेकिन हमको बिल्कुल भी ऐसा उम्मीद नहीं था कि हमारे बच्चे इतने आगे कर जाएंगे, और वो आगे करते करते अब दिल में ऐसा बढ़ गया है कि अब चलो आगे और भेजते हैं। और अभी दुर्ग में नेशनल का ट्रायल होने वाला है परसों संडे को, तो वहाँ भी जा रहे हैं, वहाँ से होगा तो देख। अपने पापा चाचू को साइकिलिंग करते देख बच्चों का हौसला 7वें आसमान पर पहुंच गया। पहले स्कूल लेवल पर फिर स्टेट लेवल पर बच्चों ने झंडे गाड़े, अब उनकी निगाहें नेशनल फतह करने पर हैं। हम लोग लॉकडाउन में साइकिलिंग शुरू किए थे, और सब पापा चाचू लोग साइकिलिंग करते थे, तो हम लोग भी मोटिवेट होके सबके साथ जुड़े। और फिर ये स्कूल का गेम्स आया, तो उसमें हम लोग पार्टिसिपेट किए, और उसमें ये सब लेवल जीते। हम लोगों ने पहले बालकों में पार्टिसिपेट किया था, पर वहाँ पे कोई आया नहीं था पार्टिसिपेंट, तो फिर हम लोगों को सीधा स्टेट के लिए सिलेक्ट कर दिया गया। फिर स्टेट में हम लोग मेरा फर्स्ट पोजीशन आया और इसका सेकंड आया, और हम दोनों से
बाकी पार्टिसिपेंट्स 2 किलोमीटर के पीछे थे। बच्चों की उपलब्धि से उनके अभिभावक फूले नहीं समा रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके बच्चे एक दिन इस मुकाम पर पहुंचकर उनका नाम रोशन करेंगे। बच्चों की यह उड़ान देख महज उनके घर वाले ही नहीं बल्कि कोरबा समेत पूरा छत्तीसगढ़ गौरवान्वित हो रहा है। राजकुमार साह, ईटीवी भारत, कोरबा।